जी का मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए प्लीज बैठिए। उपन्यासकार हैं बहुत बड़ी मीरा जोरी जी, देवेंद्र जी और श्यामल जी का उपन्यास कहानी संग्रह की चर्चा हो रही है। और आप ऐसे समय में आए कि मुझे लगता है कि अपनी बात मैं खत्म करने ही वाला ही था, तब तक तब तक आप आ गए, तो आप ऐसा ना सोचिए कि आप आए और मैं चुप हो गया। और इसमें बहुत सारी कहानी है, मैं बहुत सारी कहानियों पर बात कर सकता हूँ। पत्तों की रात, मुंद्रा नदी, गीली मिठास, कागज पर चिपका समय, हर कहानी अपने आप में बेजोड़ है, अलग है। आपका भी परसेप्शन टूटेगा जब आप एक कहानी पढ़ते हैं, जैसे आप उदय प्रकाश को पढ़ते हैं या प्रेमचंद को पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है कि उसमें ऐसा ऐसा होगा, इस तरह से चीजें आएंगी, इतनी मार्मिकता आएगी, इतना करुणा आएगा, ऐसे करेक्टर आएंगे, एक जमींदार आएगा जो इतना बदमाश होगा, एक किसान आएगा जो इतना बेबस होगा, आपको पहले से पता होता है। समाज आएगा, हाशिए के लोग आएंगे, क्योंकि सिग्नेचर राइटर जो होता है ना, उसके बारे में लोग पता कर रहे थे। जैसे अमिताभ बच्चन आएंगे तो अमिताभ बच्चन ऐसा रोल करेंगे, शाहरुख खान आएगा तो ऐसा रोल करेगा, पहले से पता होता है। लेकिन 13 कहानी में आप पहली कहानी पढ़िए, दूसरी कहानी पढ़िए, तीसरी कहानी पढ़िए, बार बार आप कहानी को पढ़ते चले जाइए, और आप पहले जो कहानीकार को जान रहे हैं, आप एक अलग कहानीकार को जानेंगे, एक दूसरे कहानीकार को जानेंगे। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इतना इतना वेरिएशन बहुत कम कहानीकारों के पास आज के डेट में है। आप ज्यादातर लोग तो एक ही कहानी को बार बार लिख रहे होते हैं, शब्द को बदल बदल कर। यहाँ पर शब्द बदलने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये पत्रकार रहे हैं तो इनके पास शब्दों का एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, भंडार। हाँ, मैं तो कहने जा रहा था कि तिजोरी, चूंकि पैसे उतने हैं नहीं मेरे पास, तो तिजोरी याद नहीं आता, मैं तिजोरी कहने जा रहा था कि इनके तिजोरी में बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल इसमें किया है। बिहार, झारखंड और गांव, कस्बा मैं बता रहा हूँ कि कस्बा जो बदला है, आया है इसमें, कि कस्बा बदल गया, शहर हो गया, करोलबाग हो गया, कनॉट प्लेस हो गया, तो जहां पे कस्बा बदलता है वहां पे दोहरा संकट होता है। एक तो कस्बा का संकट है ही, शहर का भी संकट है, शहरी मानसिकता का भी संकट है। और दो मानसिकता का जब आदमी हो गया ना, कस्बा का और शहरी का, वो आदमी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ज्यादा डेंजरस हो जाता है वो आदमी। शहरी आदमी कम खतरनाक है, कस्बा का आदमी कम खतरनाक है, गांव का आदमी कम खतरनाक है, लेकिन पेंडुलम की तरह लटकता हुआ आदमी शहर और कस्बा और शहर, वो ज्यादा खतरनाक है। और इसमें आती है ये। आप इसको पढ़िए, मैं श्यामल जी को बधाई देता हूँ, मीरा जी को मैं बधाई देता हूँ इतनी शानदार किताब के लिए। इनकी रचनात्मकता फूट पड़ी है, मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में कई कहानी संग्रह और लिखेंगे, कई उपन्यास और लिखेंगे। और ये ऐसे शख्स हैं, ऐसे लिखा थे कि नौकरी को ताक पर रख कर लिखते रहे, ये रिजाइन करके लिखने को तैयार रहे। कई बार हर साथी से जब बात करता हूँ तो ये बोलते नौकरी छोड़ो, क्या पता भी नौकरी छोड़ी कि नहीं छोड़ी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमेशा नौकरी छोड़ने की बात करते हैं सिर्फ लिखने के लिए। तो इतना प्रतिबद्ध लेखक से हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।